हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कुछ पोस्टें निकाली है। आई होप आपने इसके बारे में सुन लिया होगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी पोस्टें हैं और इनको जो है वो रीओपन किया गया था। वैसे ये नोटिफिकेशन जो है वो मई में निकला था, बट कुछ रीजंस के कारण आई थिंक ये पोस्टें नहीं भर पाई, तो इसको जो दोबारा है वो रीओपन किया गया है। तो हालांकि आपने इसके बारे में सुन लिया होगा, बट अगर अभी तक नहीं सुना है तो ये पोस्टें आपके लिए यूजफुल रह सकती हैं, जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताऊंगा, साथ ही साथ किस तरीके से आपको जो है वो अप्लाई करना है इसके बारे में भी यहां पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप किस वेबसाइट से जाकर जो है इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो www.hpseb.in, ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड .in। बाकी यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप इसके ऊपर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल पोस्टें जो है वो 50 निकाली गई हैं, ठीक है। ड्राइवर की पोस्टें हैं जो कि आपकी डेली वेजेस पर है, 336 रुपए पर डे के हिसाब से आपको जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट डेट की बात करें तो 25/11/2021 जो है वो लास्ट डेट है। शाम 5 बजे तक जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मेथड जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन ही जो है आपको इसके लिए अप्लाई करना है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक अराउंड मई के आसपास जो है ये पोस्टें निकाली गई थी पहले। अगर आपने पहले इसके लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो आप जो है इसके लिए दोबारा अप्लाई मत कीजिएगा, आपका वही एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मान्यता उसी को ही दी जाएगी, ठीक है। आप चाहे तो दोबारा भी कर सकते हैं अगर आपके पास फीस ज्यादा है, बट पुराना अगर आपने एक बार अप्लाई किया है तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिन्होंने नहीं किया है, जिनका स्किप हो गया था, तो आप जो है 50 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 50 पोस्टें हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। टोटल पोस्टें अगर जनरल की बात करें, अनरिजर्व की 19 है, जनरल ESM की 4 है, जनरल स्पोर्ट्स वालों की 1 है, SC अनरिजर्व की 9 है, SC BPL और की 1 है, और SC ESM की 1 है, ST की आपकी 1 पोस्ट है, ST ESM की 1 पोस्ट है, और OBC की जो है वो 7 पोस्ट है, अनरिजर्व की OBC BPL और ANT की जो है वो 1 पोस्ट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आपको अप्लाई करना है। ESM का मतलब आपको समझ आ गया होगा, एक्स सर्विस में। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिसको आप रीड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, वैसे जरूरत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने सिंपल मैट्रिक पास की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर दो कंडीशन फॉलो होती है, या तो आप हिमाचली बोनाफाइड हो, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, मैट्रिक आपने कहीं से भी की हो। दूसरा केस है कि आप हिमाचली बोनाफाइड नहीं हो और आपने 10th जो है वो हिमाचल से किया है और +2 भी, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, हैवी और लाइट दोनों में से कोई भी, ताकि आप जो है वो हिली ट्रेन एरिया जो होते हैं आपको पता ही है उसमें जो है आप ड्राइव कर सकें, ठीक है। एज जो है वो 18 से 45 साल के बीच में आपकी रहने वाली है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में पहले आपके पास जो है वो MCQ आएंगे, जो कि ड्राइवर से रिलेटेड, मेंटेनेंस स्किल से रिलेटेड, ठीक है, 80 मार्क्स के, जो भी गाड़ियों से रिलेटेड होता है, आपका मोटर एक्ट हो गए, व्हीकल एक्ट हो गए, कैसे आप मेंटेन करोगे, रोड साइन वगैरह हो गए, ड्राइविंग स्किल्स वगैरह हो गए, सभी से रिलेटेड MCQs जो है वो 80 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और 20 नंबर की आपकी जो है वो हिमाचल GK पूछी जाएगी, ठीक है। अब जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश मैट्रिक स्टैंडर्ड, मुझे ये नहीं पता मैट्रिक स्टैंडर्ड यहाँ पर क्यों लिखा है, बट फिर भी हिमाचल GK जो है वो आपकी 20 नंबर की पूछी जाएगी। तो ये 100 मार्क्स का जो है वो आपका टोटल रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अगर आपके आपके पास गाड़ियों की अच्छी नॉलेज है तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हो और आप अच्छे से इसको क्वालिफाई भी कर सकते हो। दूसरा क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन रिटन एग्जामिनेशन, मैक्सिमम 40 मार्क्स टू बी अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस एज अंडर, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो भी मार्क्स आपके यहाँ पर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स जो भी आए हैं कि आपके मार्क्स आपने 40 ले लिए, ठीक है, तो उसको जो है आपका 100 से डिवाइड करके इनटू 40 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो जितने मार्क्स आपके आएंगे उसको आपको 40 में से दिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इनमें से जो भी आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे उनको आपको उनकी परसेंटेज निकालकर एक तरह से आप ये समझ लीजिए 40 में से आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको 40 में से मार्क्स मिलेंगे, मतलब जितने ज्यादा आपके रिटर्न में आएंगे उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट आपका 46 मार्क्स का होगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किस बेसिस पर होगा, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ये भी मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। और उसके बाद इवेल्युएशन होगी आपकी 40 मार्क्स की, यानी कि 14 नंबर की इवेल्युएशन, 46 मार्क्स का सबसे ज्यादा आपका ड्राइविंग टेस्ट है क्योंकि पोस्ट ही उसकी है। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका ये जो है वो पूरा प्रोसीजर होने वाला है। MCQs फॉर्मेट में होंगे, 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक सीट पे 10 कैंडिडेट जो है वो रिटन एग्जामिनेशन में सिलेक्ट किए जाएंगे जब आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। बाकी प्रोसेस जो है वो पूरा आगे होगा।
फिर आगे देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर आपका रहने वाला है। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट की अगर बात करें तो देखिए ड्राइविंग कमेटी जो होगी, टेस्ट कमेटी, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पर जो है वो जज करेगी। सबसे पहला पैरामीटर क्या होगा कि प्रिकॉशंस बिफोर स्टार्टिंग व्हीकल एंड नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। आपको जो है वो जब भी आप स्टार्टिंग व्हीकल हो, ये आपको बताया नहीं जाएगा, ये नोटिफिकेशन में बताया जाएगा, बट जब वहां पर आप ड्राइविंग टेस्ट दोगे तो ये चीजें जो है वो नोटिस की जाएगी। सबसे पहले तो प्रिकॉशंस, जब भी आप स्टार्ट करते हो व्हीकल को तो क्या क्या प्रिकॉशंस जो है वो आप लेते हो, और आपको ट्रैफिक सिग्नल की जो है वो कितनी नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर प्रेशर, ठीक है, आपको चेक करना है। स्टार्टिंग ऑफ व्हीकल इन न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है, आपने व्हीकल को जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में स्टार्ट किया है, या आपके जो है विंडो खोलने का यानी कि दरवाजा जो गाड़ी का खोलते हैं वो कौन सा तरीका आपका, किस तरीके का है। सीटिंग पोस्चर आपका गाड़ी में बैठने का क्या है, आप बैठकर सीट बेल्ट लगाते हो कि नहीं लगाते हो, ठीक है, आप एडजस्टमेंट आप रियर व्यू की मिरर की कैसे करते हो, तो सारी बातों का आपको जो है वो ध्यान रखना है जो सीरियस कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, पहला पैरामीटर ये हो गया। तो पहले पैरामीटर के बेस पर आपको जो है वो 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 5 मार्क्स में से आपको दिया जाएगा। सेकंड पैरामीटर है आपका इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट बाय अ ड्राइवर बिफोर मूविंग द व्हीकल और सिटिंग ऑन ड्राइविंग सीट। आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेक करते हो, गॉजेस चेक करते हो, हवा के जो भी होते हैं, या फिर कुछ और चेक कर रहे हो आप, ठीक है, आप जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है आपको ड्राइविंग करने से पहले आप उन चीजों को अगर चेक कर रहे हो, ठीक है, ये सब कुछ आपको वहां पर करना है, तो 5 नंबर आपको उसमें से दिए जाएंगे, ठीक है, जिस हिसाब की आपकी परफॉर्मेंस रहेगी। फिर थर्ड जो रहेगा वो रहेगा आपका जनरल कंट्रोल ऑफ द व्हीकल बाय कॉन्फिडेंट स्टीयरिंग एंड स्मूथ गियर चेंजिंग एंड ब्रेकिंग। ठीक है, आपका क्या कॉन्फिडेंस है जब आप स्टीयरिंग को मूव करते हो, ठीक है, आपके ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, आप झटके से ब्रेक तो नहीं मारते हो, ठीक है, या फिर आप गियर चेंजिंग स्मूथ तरीके से करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है, तो आपका उन पैरामीटर पे भी आपको जज किया जाएगा। जैसे कि विच गियर ही इज चूजन फॉर मूविंग फर्स्ट, आप पहले गियर को, मतलब कि आप गाड़ी को पहले चलाने के लिए कौन सा गियर डालोगे सबसे पहले, ठीक है, आपकी स्टीयरिंग जजमेंट जो है वो कैसी है, आपके जो चेंजिंग गियर करते हो, आप गियर को चेंज कर रहे हो 1 से 2 में डाल रहे हो, 2 से 3 में डाल रहे हो, तो कितना आपका सेफ है, कितना स्मूथली है वो, ठीक है, आप कैसे ब्रेक को यूज करते हो, जजमेंट ऑफ स्टीयरिंग, ठीक है, या फिर आप व्हीकल को रिवर्स कर रहे हो उसकी जजमेंट आपकी कैसी है, ठीक है, और आपका एक्सीलेटर कंट्रोल कैसा है, यानी कि आपकी स्पीड में कंट्रोल कैसा है, तो इन सभी पैरामीटर को जज करके आपको जो है वो 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर ड्राइविंग स्किल्स, ठीक है, आपका जो है वो ट्रैक ड्राइविंग टेस्ट होगा, एक ट्रैक आपको दे दिया जाएगा, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, हाइट मतलब कि हाई भी आपको ले जा सकते हैं, जो भी वो कहें, ठीक है, तो उस बेसिस पर आपको 26 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको 46 मार्क्स की पड़ेंगी, ठीक है, मतलब कि ये याद रखिएगा, और उसी के बेसिस पर जो है वो आपको 50% पासिंग मार्क्स लाने जरूरी हैं, तभी आप जो है वो क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन है 14 मार्क्स की, ये वही हो गया कि आप अगर वेटेज आपकी हायर क्वालिफिकेशन की, उसके बाद आप बैकवर्ड फैमिली से हैं या फिर लैंडलेस फैमिली है, नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट है, एनएसएस का है, बीपीएल फैमिली है, ठीक है, विडो है कोई, ठीक है, डाइवोर्स्ड है, सिंगल डॉटर है, ऑर्फन है, ट्रेनिंग की है आपने 6 मंथ की किसी भी इंस्टीट्यूशन में, या फिर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस है कहीं पर भी 6 महीने का, तो उसका 1 नंबर आपको जो है वो मिल जाएगा, या फिर एक्सपीरियंस आपको किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो 2.5 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे, तो 14 मार्क्स आपको, यानी कि टोटल आपके फेल है 40, फिर 46 और फिर 14, इनकी जो लास्ट में मेरिट बनेगी उसके बाद आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसके बाद आपको जो है वो दे दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है किस तरीके से मैं बता दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी जनरल कैटेगरी के लिए फीस 400 रुपए है, बाकी आपके एसटी हो गए, आपके एससी हो गए, अदर कैटेगरीज होगी, बैकवर्ड क्लासेस हो गए, ठीक है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गए, सभी के लिए जो है वो 100 रुपीज फीस रखी गई है। तो इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है, पेमेंट आपकी जो है वो कैश में नहीं होगी, कहीं आप जाकर वहां पर दे रहे हो, सिंपल सा है कि ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, और ये सारा बाकी कोई ज्यादा जानकारी इसमें नहीं है, ये इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूं, जहां पर आपको जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, एक बार दिखा देता हूं किस तरीके से करना है। तो जैसे ही आप hpseb.in की वेबसाइट खोलोगे, इस तरीके का आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर की तरफ देख रहे होंगे आप, यहाँ पर लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट फॉर ऑफ ड्राइवर्स, यानी कि कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही वेबसाइट खोलोगे वैसे ही ऊपर की तरफ ये न्यू स्टार के साथ एक आपको जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आपका ड्राइवर के लिए खुल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, इसको भर लीजिए, फिर फीस पेमेंट पे क्लिक कीजिए, इसको सबमिट करा के आप डाउनलोड फॉर्म कर लीजिए। एडवर्टाइजमेंट अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो
तो आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पहले पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जो है वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से फिलअप करना है, ये जरूरी है ठीक है। और अगर आपने पहले जो है वो 17/4/2021 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसको आपको अगर आप भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। मेरा काम था आप तक नोटिफिकेशन को पहुंचाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।